हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गुरु नीति के 9th एपिसोड में मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। मैं हूं चंद्र प्रकाश और मेरे साथ हैं माय सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 सो दैट द ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, राइट। अब पहले तो गिनोगे, देखो ऑड डिजिट कौन कौन से अपने पास, तो एक तो है 1 भाई, फिर है 3, फिर से 3 और फिर से 1, और इवन डिजिट अपने पास 2 2 और 4, तो कुल मिला के 7 डिजिट है। तो 7 ही प्लेसेस बन जाएंगे जब अपन इनको अरेंज करेंगे लाइन में, तो ऐसे राइट। ऑड प्लेसेस कितने हैं अपने पास, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तो 4 ऑड प्लेस है और 4 ही ऑड डिजिट है, तो 4 प्लेस पे इन चारों को अरेंज कर दो। तो 4 प्लेस पे 4 डिजिट को अरेंज करने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 4 4, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो आई होप सबको पता होगा कि टोटल इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे भैया ये। अब जो 3 प्लेस बच गए उस पे इन तीनों को अरेंज कर दो, तो उसके तरीके हो गए फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 2, ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 6 को 4 से डिवाइड करोगे 6 ये हो गया 3, ये हो गया आंसर आपका 18 हो जाना चाहिए, सो 18 विल बी द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बाजार आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी देन द वर्ड्स एट 50th पोजीशन विल बी, जब आप बाजार के वर्ड्स को डिक्शनरी में क्या करोगे अरेंज, तो 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड्स होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल मेथड है, पहले जो लेटर्स हैं इनको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखो, ए ए फिर से ए ए फिर बी आर आर और जेड जेड। अब आपको 50th पोजीशन पे पहुंचना है, देखो कैसे स्टार्ट करोगे, जब भी अपन डिक्शनरी को फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले जो लेटर है वो किससे स्टार्ट होगा, ए से, तो एक बार ए को कर दो आप फिक्स, तो रिमेनिंग जो 4 लेटर्स हैं इनसे टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, फैक्टोरियल 4 4, तो ये आ गया 24, ठीक है, क्योंकि जब ए को फिक्स किया तो ए बी आर जेड चारों डिस्टिंक्ट है। ए के बाद अब देखो, अब दोबारा ये मत लेना समय, क्योंकि ए को फिक्स करोगे तो डबल ए ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन बी की, तो जब बी को फिक्स करोगे तो अगेन 4 लेटर से डिजिट कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, डबल ए आर जेड, तो ये आ गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज 12। अपन को जाना है 50 तक, तो देखो अभी तो 24 और 12 36, तो अगेन थोड़ा आगे ट्राई करते हैं। बी के बाद जब आप आर से स्टार्ट करोगे वर्ड्स को, तो देखो अगेन जो 4 डिजिट वर्ड्स हैं आपके लेटर्स ए ए बी जेड, तो इससे क्या होंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल, ये आ गया अगेन 12, तो देखो ये टोटल समा चुका है अपने पास 48। अब आपको 58 वर्ड्स देखना है, तो अब इसके बाद तो अपन बना के देख लेते हैं, क्योंकि आर के बाद किसकी बारी आएगी, जेड की, देखो जेड को फिक्स किया अपन ने, तो जो फर्स्ट वर्ड बनाओगे आप जेड को फिक्स करोगे तो कौन सा आएगा, डबल ए बी आर, और उसके बाद देखो क्या करना है, जेड डबल ए के बाद बी आर के बाद अगला कौन सा होगा, आर बी, तो ये आ गया जेड डबल ए आर बी, ये 49th हो गया और ये 58th वर्ड होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जेड डबल ए आर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला सवाल देखो क्या है, 8 स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन इन द प्लेन सो दैट नो 2 लाइंस आर पैरेलल एंड नो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, यस द नंबर ऑफ पार्ट इन व्हिच दीज लाइंस डिवाइड द प्लेन। देखो बच्चों यहाँ क्या ना कि आपका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है ना, सारे सवाल जो है वो सीधे सीधे फॉर्मूलों से नहीं होते, तो इसको आप ऐसे समझो जैसे ये पूरा प्लेन है अभी, ठीक है, और अभी इसका पूरा एक ही पार्ट है, तो जैसे मैं देखो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस प्लेन के 2 पार्ट हो गए, है ना, अपन ने फर्स्ट पहले एक पार्ट था, ठीक है, अब उसमें एक और ऐड हो गया और 2 पार्ट बन गए। अब एक लाइन और ड्रॉ करें A2, मतलब 2 लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, तो देखो जो नेक्स्ट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ सेकेंड लाइन ड्रॉ करते ही 2 पार्ट और ऐड हो जाएंगे ऐसे, ये और ये, राइट, यानी कि पहले 2 थे 2 और ऐड हो गए, ये हो गए 4। अब थर्ड लाइन अगर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, अभी कितने पार्ट है वो 4,
एक लाइन और ड्रॉ करो ऐसे, कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो देखो एक दो तीन नए पोर्शन जनरेट हो गए, तो तीन पार्ट इसमें और ऐड हो गए, करेक्ट भाई? तो ये हो गए सेवन। ऐसे अगर आप चौथी लाइन और ड्रॉ कर देते हो तो क्या होगा, चार नए पार्ट निकल के आएंगे। तो यहां से मैंने एक लाइन बनाई हो तो एक दो तीन और ये चौथा पार्ट और जनरेट हो गया, यानी कि सेवन पहले से थे प्लस चार और जुड़ गए, कितने हो गए भैया, एंड सो ऑन। तो अब देखा जाए तो आप यहाँ देखिए, वैसे तो आप देखिए एट तक जाना है, तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाओगे तो भी एट तक पहुंच जाओगे। लेकिन मान लो एट के बजाय हमें ऐसे बोला जाता है कि भाई टोटल 50 लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने पार्ट होंगे, तो फिर उस केस में अपने को एक फॉर्मूला चाहिए होगा, तो वो बनाते हैं। देखो nth टर्म के लिए, n के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ भी देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपके हो सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। हर बार ना nth लाइन जब मैं बनाता हूँ तो n नए पार्ट जनरेट होते हैं, यानी अगर मैं nth वे टर्म को और उससे पहले वाले टर्म को देखूं तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, एन का, एन का, यानी कि ये वो सीरीज हो गई जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम एन की पैटर्न में है, यानी कि एपी में है, एपी में है ना, लीनियर टर्म है एन का मतलब एपी हो गई। तो अब टू फोर सेवन इलेवन इनके डिफरेंस देखो आप, टू थ्री फोर ये सब एपी में है। तो इस सीरीज को यूज करके और हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के भी देखो कई तरीके हो सकते हैं, तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए क्या है अपने पास, टू फोर सेवन इलेवन, तो मेरे पास सीरीज है देखो टू फोर सेवन इलेवन एंड सो ऑन, इनके डिफरेंसेस आएंगे टू थ्री फोर एंड सो ऑन, और इनके डिफरेंसेस आएंगे वन 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 एंड सो ऑन। ओके जी, तो nth टर्म लिखने के लिए हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड हम उसको फॉलो कर सकते हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है यहाँ पे ना, वो शॉर्ट ट्रिक देखो कितने आसान है। यानी इस सीरीज का nth टर्म देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म उठा लो एडिटिज, यानी कि टू प्लस, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करो n माइनस वन से, यानी कि प्लस टू इंटू एन माइनस वन प्लस। अब ये जब बराबर आ जाए तब तक चलना अपने को, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू से, यानी कि वन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू, दैट्स ऑल। ये इसका nth टर्म होगा, इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ऐसे अगर आगे और भी होता तो मैं नेक्स्ट जो फर्स्ट टर्म आती उसको मल्टीप्लाई करता एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री के डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री से, तो ऐसे आप क्विकली लिख सकते हो। अब अपने को क्या करना है, आठवां टर्म निकालना है, राइट? तो इसमें एन का वैल्यू आप एट पुट कर दो, देखो कितना आएगा, टू प्लस ये फोर्टीन हो गया, ये कितना हो गया देखिए, एट पुट करोगे सिक्स तो ये थ्री, और सेवन कितना हो गया भाई, ट्वेंटी वन, एड कर लो इनको आप सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा आपके पास थर्टी सेवन। ओके जी, तो आंसर देखते हैं ये फोर्थ ऑप्शन, सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। तो आई होप ये टेक्निक समझ में आई होगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आते आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ। द नंबर ऑफ वे इन विच 25 आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्संस इफ ईच गेट्स ऑड नंबर ऑफ थिंग्स इज, क्या बोला गया है कि आपको 25 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 5 पर्सन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कंडीशन क्या है कि ईच पर्सन को ऑड नंबर ऑफ थिंग्स को मिलनी चाहिए। तो देखो जरा अपन लेट करते हैं कि जो 5% है उनको x1 x2 x3 x5 लेट कर लेते हैं, तो क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, सिंपल सी बात है कि जो 5% है इनको जो थिंग्स दोगे उन सब का सम क्या आना चाहिए, बोलो 20। ये कंडीशन यूज करनी है आपको। अब जो x1 x2 x3 x4 ये ऑल नंबर ऑड होने चाहिए, तो एक काम करो इसको ऑड नंबर लेट कर दो कि लेट एक्स आई इक्वल टू टू वाई आई प्लस वन, तो आप वाई लोगे तो कुछ वाई प्लस वन अप टू सो ऑड ही आएगा। हाँ, वाई को जीरो से स्टार्ट करोगे तो ये नंबर क्या होगा आपका, ऑड होगा। तो अपन एक्स वन एक्स टू इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू वाई वन प्लस वन प्लस टू वाई टू प्लस वन अप टू सो ऑन, तो ये वन कितनी बार ऐड होगा, फाइव टाइम्स, और उसको उधर शिफ्ट करोगे फाइव को, तो आ गया 20, और सब में आ गया टू कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया सिग्मा वाई आई आई वन से फाइव, और टू से डिवाइड करने पे मिल गया आपको वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस
वाई फोर प्लस वाई फाइव इक्वल टू टेन। अब इस इक्वेशन में जो वाई वन वाई टू वाई थ्री वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो ये आपको आना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसके आपको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स आर इक्वल टू एन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें, एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ये आपके स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो के लिए होगा। ओके, तो इसमें एन को टेन लेना आपको यहां पे माइनस, सॉरी हाँ, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एन को टेन पुट कर दो और आर को फाइव पुट करना, तो क्या आ गया, टेन प्लस फाइव फोर्टीन माइनस वन, सॉरी फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन सी फोर, फोर्टीन सी फोर। वे से आप इनको और थिंग्स में क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वे इन विच थ्री डिस्टिंक्ट नंबर इन एपी कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू 24। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने की दो टेक्निक है, एक तो मैं डिस्कस करूंगा और एक से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो एक तरीका तो क्या है, सीधे सीधे हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं कि जब कॉमन डिफरेंस वन हो तो कितने ट्रिपलेट बनेंगे, कॉमन डिफरेंस टू हो तो कितने, तीन टर्म हम चूज कर सकते हैं, थ्री कर सकते हैं, फिर सबको काउंट कर लेंगे। और देखो, एक तरीका अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे तीन नंबर लेने हैं, जैसे मान लो मैंने चूज किया ए बी सी, तो ये तीनों टर्म क्या होनी चाहिए भाई, ए बी में, और तीन टर्म के ए बी में होने का कंडीशन है टू बी बराबर ए प्लस ए प्लस सी, यानी बी बराबर हो गया ए प्लस सी बाई टू, सही है। अब यहां देखो, अगर मैं ए और सी को चूज कर लेता हूं तो मुझे बी चूज नहीं करना पड़ेगा, बी तो इस फॉर्मूले से आएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ए भी चूज कर लू, सी भी चूज कर लू और फिर अपनी मन मर्जी से बी भी चूज कर लू, बी फिक्स होगा, बी फिक्स हो जाएगा अगर हम ए और सी को चूज करते हैं, तो बी को तो चूज करने का संकट ही खत्म, मुझे सिर्फ ए और सी चूज करने, और ऐसे चूज करने हैं कि ए प्लस सी में दो का भाग जाए ताकि बी भी एक इंटीजर आना चाहिए। यस, तो ये कब पॉसिबल है, जब ए प्लस सी क्या होगा बच्चों, इवन नंबर, इवन नंबर। अब दो इंटीजर को जोड़ने पर इवन आ रहा है, तो ये दो सूरत में पॉसिबल है, या तो दोनों ही क्या हो, इवन हो, या दोनों ही ऑड हो। तो अपने को दो तरीके से काम कर सकते हैं कि ए और सी दोनों ही क्या है भाई, इवन नंबर, और एक बार ए और सी दोनों ही ऑड ऑड है, ठीक है। तो अब आइए देखिए, एक से चौबीस तक इवन नंबर कितने हैं, जाहिर सी बात है आधे इवन आधे ऑड है, तो 12 नंबर इसमें जो है बच्चों 12 वो क्या है, इवन है, उसमें से कोई भी दो आप पिक कर लो, और इट कैन बी डन बाय 12 सी टू वेज, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने एक 4 ले लिया और एक आपने 12 ले लिया, है ना, तो अब सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 और 4 हो गए 16 डिवाइडेड बाय 2 करोगे ये, तो बी, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों नंबर किस में आ गए, एपी, एपी में आ गए, ओके। तो केवल ए और सी चूज कर ले, तो उसके इतने तरीके हो गए। सिमिलरली ऑड नंबर भी इसमें 12 है, तो उसके भी 12 सी टू वेज हो जाएंगे, 12 सी टू वेज, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया 2 इंटू 12 सी टू, यानी कि 12 इंटू 11 बाई 2, और भाई ये कैंसिल आउट हो गया, एंड फाइनली यू गॉट 132, तो 132 इसका राइट आंसर होना चाहिए, सेकंड, तो ये सेकंड आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। n इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट 1 to 100, आपको एक नंबर n सेलेक्ट करना है 1 से 100 के, बिल्कुल, n की नंबर कैपिटल n इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4 फॉर्मड, देन टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग n शो दैट द फॉर्म नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू, आपको एन लेट करना 1 से 100 में से, और उस एन को जब पुट करोगे तो जो कैपिटल है ना ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल। तो आपको एन को बताना है कि एन को कितने वे से अपन लेट कर सकते हैं। तो देखो इधर आओ, जो नंबर है आपका एन वो क्या है, 2 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन प्लस 5 की पावर एन, इस नंबर को आपको करना 4 से डिविजिबल। तो देखो पहले इस 2 की पावर एन की बात करो, आप एन वन होगा तो ये ओनली 2 होगा ना, तो 2 को अपन 4 से क्या नहीं कर सकते डिवाइड, बट अगर एन 2 और 2 से ग्रेटर लोगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, 4 का डिविजिबल। तो थोड़ा इसको अपन कन्वर्ट करते हैं 4 की टाइप में, तो देखें 2 की पावर एन प्लस 3 को आप लिख सकते हो 4 माइनस 1 की पावर एन प्लस
फोर प्लस वन की पावर एन। अब थोड़ा इसमें बाइनोमियल का यूज करना है। जब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा, देखो एन सी जीरो फोर की, चलो लिख देते हैं एक बार। और आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो, ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, और नंबर ऑफ पावर दोनों में सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एन प्लस वन। तो इसकी फॉर्मेट तो होगी बेटा टी वन माइनस टी टू प्लस थ्री टी अप टू सो ऑन, और इसकी फॉर्मेट में सारा कुछ क्या होगा, प्लस में होगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इसमें जो इवन टर्म्स है वो क्या होंगी, आपकी कैंसिल आउट होंगी। बट इसकी जो लास्ट टर्म होगी उसमें क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन, एन सी एन इंटू माइनस वन की पावर एन, और इसकी लास्ट टर्म में मिलेगा एन सी एन इंटू वन की पावर एन। तो देखो क्या आने वाला है इसमें, जैसे लेट इसको लिखा आपने एन सी जीरो फोर की पावर एन माइनस एन सी वन फोर की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट। इसकी जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी उसमें क्या लिखोगे, प्लस एन सी एन माइनस वन फोर की पावर फोर, और ये आ गया एन सी एन माइनस वन की पावर एन। और जो फोर प्लस वन की पावर एन की बात करोगे तो उसको सब में क्या लिखना है, प्लस के अंदर लिखना है। तो देखें ढंग से, ये एन सी जीरो से लेके एन सी एन माइनस वन, इसमें तो फोर कॉमन आ गया ना, तो ये वाला पार्ट तो कंप्लीटली आपका क्या होगा, फोर से डिविजिबल। सिमिलरली जब आप इसके एक्सपेंशन की बात करोगे तो इसमें भी फर्स्ट से सेकेंड लास्ट तक उसमें भी क्या आने वाला, फोर, तो वो भी आपका क्या होगा, फोर से डिविजिबल। और जो लास्ट में वो क्या होगी बोलो, प्लस एन सी एन वन की पावर एन। तो बस उसी पे अपन को फोकस करना है, तो वन ही हो जाएगी, हाँ प्लस वन की पावर एन। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब इस कंप्लीट पार्ट को आप फोर से क्या करोगे, डिविजिबल, तो ये वाला पार्ट और दिस पार्ट तो कंप्लीटली क्या, फोर से डिविजिबल, तो इसको तो कर सकते हैं रिमूव डायरेक्ट। तो रिमेनिंग पार्ट आ गया आपका टू की पावर एन प्लस माइनस वन की पावर एन, इसको सीधा बोल लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। अब ये नंबर आपका आना चाहिए फोर से डिविजिबल, तो अब तो थोड़ा ढंग से देखो इसको आप। इसमें जब एन इवन लोगे आप, क्या लोगे एन को, इवन टू फोर सिक्स अप टू सो ऑन, तो इवन लेने पे माइनस वन की पावर एन वन, और वन और वन आ गया टू, और एन को टू लोगे तो ये नंबर आपका ऑलवेज सिक्स टेन अप टू सो ऑन की टर्म में होगा। सिंपल सी बात है ना, एन को टू लोगे, टू से ग्रेटर, तो ये तो ऑलवेज फोर से डिविजिबल होगा, और ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, टू, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आने वाला है, टू। तो एन जब आपका इवन होगा तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, तो इसमें ओनली एन हो सकता है बेटा ऑड। अब ऑड को अगेन देखो, जब एन इसमें ऑड वन लोगे आप, तो एन को वन लेने पे माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, और ये टू की पावर वन इज टू, तो ओनली टू आ गया, तो टू अगेन क्या होगा, फोर से नॉट डिविजिबल। बट जब एन को थ्री फाइव अप टू सेवन लोगे, तो देखो जैसे थ्री की बात करते हैं, टू की पावर थ्री सिक्स और एट, और ये इससे कैंसिल, क्योंकि एन ऑड होगा तो जीरो, और टू की पावर एट ऑलवेज क्या होगा, थ्री से सॉरी फोर से डिविजिबल। तो एन आप ऑड नंबर लोगे बट एन को वन इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें जो एन की वैल्यू जो होंगी आपकी, एन इक्वल टू थ्री फाइव सेवन डॉट डॉट फोर्टी सॉरी 99। तो देखो टोटल ऑड नंबर कितने होंगे 150, उसमें से वन को आपको सेलेक्ट नहीं करना, तो आंसर आ जाएगा 49। 49 वे से आप एन को पुट करोगे तो ये नंबर आपका क्या होगा, फोर से डिविजिबल। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, सेकंड होगा। और कोई मेथड हो सकता है, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉन्फ्रेंस 10 स्पीकर आर प्रेजेंट, इफ S1 वांट टू स्पीक बिफोर S2 एंड S2 वांट टू स्पीक आफ्टर S3, द नंबर ऑफ वे ऑल द 10 स्पीकर कैन गिव देयर स्पीचेस विद द अबव रिस्ट्रिक्शन, द रिमेनिंग 7 स्पीकर हैव नो ऑब्जेक्शन टू स्पीक एट एनी नंबर। ओके देखो क्या है, तो यहां पे जब ना आपको मान लीजिए कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना और उसमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिलेटिव ऑर्डर फिक्स दिया जाए कि भाई जैसे मान लो मेरे को 10 एलिमेंट अरेंज करने और मैं आपको बोलूं कि भैया ये ए है ना, ये तो बी से पहले आना चाहिए, मतलब इनका रिलेटिव ऑर्डर बीच में कोई भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, और बी जो है मान लो वो सी से पहले आना चाहिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिलेटिव ऑर्डर फिक्स हो। तो रिलेटिव ऑर्डर फिक्स होने से देखो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे समझो देखो, अभी अगर मैं इनका रिलेटिव ऑर्डर फिक्स ना करूं तो आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आपस में, 3 factorial, लेकिन अगर मैं इनका रिलेटिव ऑर्डर फिक्स कर दूं तो फिर इनको अरेंज करने का एक ही तरीका हो गया, राइट। तो इसको बहुत इजी वे में समझने के लिए आप ऐसे सोचो, देखो अगर मैं एबीसी के बजाय, अभी इनका रिलेटिव ऑर्डर फिक्स है, मैं एबीसी के बजाय तीनों को ए ही ले लूं,
तो भी इनको अरेंज करने के कितने तरीके हुए, एक एक ही हुआ, ठीक है ना। और इनका रिलेटिव ऑर्डर फिक्स है तो भी इनको अरेंज करने के कितने तरीके हुए, एक ही हुए। तो यहां देखिए अगर इस तरह से सोचा जाए तो बहुत क्विकली बिना किसी ज्यादा लाग लपेट के तुरंत आंसर पर पहुंच सकते हैं कि जब भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो और कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिलेटिव ऑर्डर फिक्स हो तो आप ना उनको आइडेंटिकल मान लो, राइट, उससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि अब यहां देखो मेरे पास क्या 10 लोग हैं, तो अब ये S1 क्या बोल रहा है भाई, वांट टू स्पीक बिफोर S2, ये S2 के पहले बोलेगा, मतलब S2 इसके बाद में आएगा कहीं भी आए, तो इनका रिलेटिव ऑर्डर फिक्स हो। S2 वांट टू स्पीक आफ्टर S3, अब S2 जो है वो S3 के बाद में बोलना चाहता है, तो S3 को देखो कहां कैसे अरेंज कर सकते हैं, मैं S3 को यहां भी रख सकता हूं और मैं ऐसे भी कर सकता हूं, S3 फिर S1 बोलेगा फिर S2 बोलेगा, इनके बीच में कितने भी दूसरे स्पीकर हो सकते हैं, ये दो पॉसिबल ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो इनका ये वाला रिलेटिव ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं। तो अब ऐसे समझो, इसकी बात करते हैं कि मेरे पास टोटल 10 एलिमेंट है, इनमें से ये वाले जो तीन है इनका रिलेटिव ऑर्डर फिक्स है, तो आप ऐसे मान लो कि आइडेंटिकल है, तो 10 है तीन आइडेंटिकल है, तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, दैट इज फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। अब इस वाले ऑर्डर से अगर फिक्स करना चाहे तो अगेन वही सेम बात, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और इसको कैंसिल आउट कर दो तो 10 फैक्टोरियल बाय 3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, रिलेटिव ऑर्डर अगर फिक्स्ड है उनका तो उनको आइडेंटिकल मान के करोगे तो जल्दी से आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्मड बाय यूजिंग 0, 1, 2, 3 रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड कीजिए। आपको 0, 1, 2, 3, 4 को यूज करके 5 डिजिट के नंबर फॉर्म करने और बाद में उनका सम कैलकुलेट करना है। तो देखो उसको करने की क्या मेथड हो सकता है, लेट आपको एक 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो देखिए तो पहले टोटल नंबर चेक करते हैं कि टोटल कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट प्लेस है इसको ओनली आप 1, 2, 3 फिल कर सकते हो उसको, तो इसको फिल करने के अपने पास ओनली 3 ऑप्शन है। उसके बाद रिपीटेशन अलाउड है तो अगेन इसको तो 4 ऑप्शन होंगे, इसके लिए भी 4 ऑप्शन होंगे अपने पास, इसके लिए भी 4 ऑप्शन है और इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे बेटा, इन सबको क्या करना, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3 into, इसको ऐसे रखो भी इसकी जरूरत पड़ने वाली, कैलकुलेट बाद में करना, ठीक है। इतने नंबर टोटल क्या होंगे इससे बन जाने वाले, अब इन जितने भी नंबर है उन सबका क्या करना है, आपको सम कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको डिजिट से नंबर फॉर्म करना है और बाद में क्या करना है उनका सम, तो उसका मेथड क्या है वो देखो, आप जो ईच प्लेसेज है उन पे जो डिजिट है उनका सम पहले करो कैलकुलेट और बाद में उसको अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले देखो आप इधर, जैसे इस प्लेस की बात करोगे लास्ट प्लेस की, इस प्लेस पे क्या होगा, ओनली आप 1, 2 और 3 को क्या करोगे फिल, तो ये फिक्स है ऑलवेज कि जैसे लेट आपने इस पे 3 डिजिट को फिल किया 1, 2, 3 को और ये टोटल नंबर इतने फॉर्म हुए, तो आप पहले ये चेक करो कि दिस प्लेस पे ईच नंबर कितने टाइम्स आपका रिपीट हुआ है। तो उसके लिए क्या मेथड है कि आपने 3 डिजिट फिल किए इसमें 1, 2, 3, तो आप इसको कर दो 3 से डिवाइड, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट इस फर्स्ट प्लेस पे ईच नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 16 into 16, मतलब जो आपकी ये यूनिट प्लेस 10th place, 100th, 1000 और 10000 जो प्लेस है आपकी, इस पे जो ईच डिजिट है वो आपको भी 16 into 16 टाइम्स, मतलब ईच डिजिट आपकी 16 into 16 टाइम्स रिपीट होगी। और जब इनको ऐड करोगे आप तो देखो इस पे 1 कितनी बार है 16 into 16 टाइम, तो 1 into 16 into 16 आ गया, प्लस 2 भी आपका इतने टाइम से होगा और 3 भी आपका इतने टाइम। तो क्या करना है आपको, जो डिजिट है उनको ऐड करके ईच डिजिट की काउंटिंग से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ 10,000 प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम मिल जाएगा 16 into 16 ब्रैकेट में 1 plus 2 plus 3, मतलब सिंपल सी बात ही आ गया 16 into 16 into 6,
ये जो आपकी फर्स्ट प्लेस है इस पे डिजिट का सम मिल चुका है। बिल्कुल। अब आप इस पे तो सब पे फिक्स होगा ऑलवेज, इस पे आप 0, 1, 2, 3, 4 को फिल कर सकते हो। तो ईच डिजिट कितनी बार रिपीट होगी, तो आप क्या करो उसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करोगे आप तो यह जाएगा 12 × 16, मतलब ईच डिजिट आपकी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस पे 12 × 16 टाइम्स क्या होगी, रिपीट होगी। और उसके सम में भी यही करना है कि जो 4 डिजिट फिल किया उनके सम को आप इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई से। तो 0, 1, 2, 3 का सम अगेन क्या होगा, 6। तो आप लिख सकते हो यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम क्या होगा, सम ऑफ दिस पार्ट इक्वल टू ईच डिजिट कितनी बार होगी आपकी, 12 × 16। तो 12 × 16 × 6, तो ये तो आपकी फर्स्ट प्लेस पे ईच डिजिट का सम मिला दिस पार्ट, और ये आपकी 10th यूनिट अप टू 7th प्लेस पे क्या होगा, सम। अब देखो इसको करना कैसे बाद में, तो इसको तो रिमूव कर देते दरअसल। जैसे लेट अपन 1, 2, 3 की बात करते हैं, जैसे इनका सम 1, 2, 3 है, तो इसको लिखने का की टेक्निक क्या है कि जो ये आपकी फर्स्ट प्लेस है इसको लिख सकते हैं 100, फिर इसको लिख सकते हैं 20 + 3। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 × 10^2 + 2 × 10^1 + 3 × 10^0। ये टेक्निक है, समझो इसको। तो देखो जब आप जो नंबर्स हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स की बात करोगे, तो देखो क्या आने वाला है कि जो आपकी सबसे पहले स्टार्टिंग की प्लेस थी, टोटल 5 प्लेस थी अपनी, इस पे 10^0 फिल करना है। अभी लिखना आना चाहिए 10^1, 10^2, 10^3, 10^4। सिंपल सी बात ये कि जो जितने नंबर है ना उससे एक कम कर दो 10^ में। तो देखो प्लेस वैल्यू बोलते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। हाँ, तो देखो क्या लिखना है, जो अपनी ये फर्स्ट प्लेस है इस पे जो डिजिट है उनका सम कितना था, 16 × 16 × 6 × 10^4 प्लस, अब जो रिमेनिंग ये है इन पे क्या लिखोगे आप, 12 × 16 × 6 × 10^3। अगले में 10^2, तो एक काम करते हैं इस पार्ट को क्या लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन। तो 12 × 16 × 6 और ये आ गया 10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0। तो अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको, ये तो सीधा नॉर्मल कर देना सॉल्व, 100, 1000, 100 और 10 + 1, तो 111 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और इन दोनों में 16 और 6 क्या ले लेना, कॉमन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर शायद फर्स्ट ऑप्शन आएगा, तो देख लेना करके आप, ठीक है। सही है टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ वे इन विच 2 Indian, 3 American, 3 Italian and 4 Frenchmen कैन बी सीटेड अलोंग द सर्कल इफ द पीपल ऑफ द सेम नेशनलिटी सिट टुगेदर इज, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सब लोग जानते हैं कि जब हमें अरेंजमेंट करना हो और कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना है तो हमें क्या करना होता है कि हम पहले उनको बाउंड कर लेते हैं और उन ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप कंसिडर करते हैं। यानी आप ऐसे मान लो कि मेरे पास 2 Indian का एक ग्रुप है, राइट, 3 American का एक ग्रुप है, 3 Italian का एक ग्रुप है और 4 French person का एक ग्रुप है, करेक्ट। तो अब एक तरह से मेरे पास 4 एलिमेंट है, पहले इनको अपने को सर्किल पे अरेंज करना। तो आप जानते हो कि एन ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल पे अरेंज करें तो उसके तरीके होते हैं फैक्टोरियल एन माइनस वन, यानी इन चारों ग्रुप को अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 3। अब ये मान लो यहाँ अरेंज हो गए कि यहाँ पे दो इंडियन हो गए ऐसे, राइट, फिर यहाँ पे 3 American हो गए A1, A2, A3। अब इनको साथ रखना है लेकिन इनका ऑर्डर तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे इन तीनों को अगर हम आपस में इसी जगह पे घुमा फिरा के बिठाना चाहें तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। सिमिलरली ये जो इंडियन है I1, I2, इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो इनके इंटरनल अरेंजमेंट हो जाएंगे बच्चों फैक्टोरियल 2, इसके फैक्टोरियल 3, फिर इसके फैक्टोरियल 3 और फिर इसके फैक्टोरियल 4। तो ये सब करने के बाद अपना काम कंप्लीट हो जाएगा।
और टोटल तरीके कितने हुए देखो, इसको सिंपलीफाई करें तो फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री का थ्री की पावर थ्री फैक्टोरियल फोर, चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन इसी फॉर्म में गिवन हो, सेकंड ऑप्शन तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गिवन सिक्स लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट्स, दी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्मड बाय दीज सेगमेंट्स। आपको टोटल सिक्स सेगमेंट्स गिवन है और इनमें से आपको एक ट्रायंगल का फॉर्म करना है सेगमेंट को यूज करके, तो थ्री सेगमेंट का जब आप क्या करोगे सिलेक्शन, तो एक ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बनना चाहिए, एक बन सकता है। ठीक है, तो देखो अगर आप नॉर्मली सोचोगे पहले तो टोटल सिक्स सेगमेंट हैं, उनमें से कोई भी थ्री सेगमेंट लेट करोगे आप तो एक रफली अपन ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टोटल वे होंगे आपके 63। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो सेगमेंट है उनकी आपको लेंथ गिवन है, तो इन लेंथ के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे आप तो ये आपको आना चाहिए कि सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि दो साइड का सम आपकी थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप ये देख लो उसमें कि ऐसे कौन से केस हो सकते हैं कि जिनका सम थर्ड साइड से लेस नहीं हो, तो चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे लेट आपने क्या किया 63 में सारे केसेस पॉसिबल हैं, तो उनमें से वो केस आप माइनस करोगे, तो जैसे लेट आपने 2 और 3 को तो किया फिक्स कि 2 और 3 तो लेना ही लेना है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 5, तो आप नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो क्या ले सकते, एक तो 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, और एक 6 नहीं ले सकते, और एक 7, क्योंकि आपको सम ऑफ टू साइड चाहिए ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो 2 और 3 का सम 5, तो 5 ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 6 और 5 ग्रेटर देन 7, ये तीनों क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे ना, तो एक तो ये केस आपको माइनस करना है। उसके बाद 2 के साथ 3 किया, 2 के साथ अपन एक बार 4 फिक्स करते हैं, तो 2 के साथ 4 का मतलब इनका सम आ गया 6, तो आप नेक्स्ट 2 4 के साथ 6 और 7 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, 2 4 के बाद किसकी बारी आएगी, 2 5 की, हाँ जी, हाँ तो 2 5, तो इसके साथ ओनली 7 नहीं ले सकते, ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें कुछ पॉइंट्स ना हो जाए, तो 2 के साथ सबका काम हो चुका है, 2 6 लोगे तो 8 और उधर से 7 होगा तो कोई दिक्कत नहीं उसे। अब अपन 3 के साथ 4 को फिक्स करते हैं, तो देखो 3 और 4 को फिक्स करोगे तो इन दोनों का सम 7 है, तो इधर एक ही ऑप्शन बचा अपने पास 7। अब उसके बाद देखो 3 4, 3 के बाद अगर 5 लोगे तो 3 और 5 8 होगा, अब कोई भी आप लेके देखो बाद में उनका सम ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर आने वाला है रिमेनिंग से, तो देखो टोटल कितने केस हुए 1, 2, 4 और 7 केस। ये 7 केस ऐसे हैं कि उन केसेज में अगर आप सेगमेंट को लेट करोगे इनको तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आना चाहिए 6C3-7, तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यही मेथड। चलिए जी नए सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ ग्रैंडफादर, ठीक है भाई, एक दादाजी है परिवार में, एम सन्स एंड डॉटर, तो नेक्स्ट जनरेशन में एम है, उसके बाद अगली जनरेशन में 2 और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, दे आर टू बी सीटेड इन अ रो फॉर डिनर, चलिए लाइन में बैठना है ना सबको, द ग्रैंड चिल्ड्रन विश टू ऑक्यूपाई देयर एन सीट एट ईच एंड, ठीक है, तो टोटल में से ना एन सीट इधर और एन सीट इधर, यहां पर तो कौन बैठेंगे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो बीच में कितनी सीट बच जाएगी, तो टोटल लोग हैं उतनी सीटें होगी, तो n n 2n सीट तो ये कम हो गई, तो बीच में बच गई अपने पास m प्लस 1 सीट। यस, आगे बढ़ते हैं, देखिए द ग्रैंड चिल्ड्रन विश टू ऑक्यूपाई द n सीट्स एट ईच एंड एंड द ग्रैंड फादर रिफ्यूज टू हैव अ ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन आइदर साइड, और जो दादाजी वो नहीं चाहते कि उनके आसपास कोई उनके पोते पोती बैठे, वही इसका मतलब अपन दादाजी को इस सीट पर नहीं बिठा सकते, करेक्ट, और इस पर नहीं बिठा सकते, तो जिनको समस्या है ना पहले उन्हीं को बिठाना चाहिए, अरेंजमेंट का यही उसूल है कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी मनपसंद सीट पे जाके बैठ जाओ, तो जैसे आप बच्चों को बोलो पहले कि आप बैठ जाओ, तो 2n बच्चे और 2n ये वाली सीटों पे बैठे, ये सीटें भी कितनी है 2n, तो उनको बिठाने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 2n। अभी दादाजी को बोलिए कि आप बैठ जाइए, तो वो यहाँ तो बैठेंगे नहीं, तो एम प्लस 1 में से 2 सीट कम हो गई उनकी, एम माइनस वन सीट बच गई, तो उनमें से कोई भी एक सीट पकड़ के वो बैठ जाएंगे। अब बच गए वो लोग जिनकी कोई चॉइस नहीं है, जितनी भी सीट बच गई उन पर वो बैठ जाएंगे,
एम लोग बचे हैं, एम ही सीटें बची है फैक्टोरियल, वो बैठ जाएंगे फैक्टोरियल एम से। तो ये बहुत ही सिंपल वे से ये इसका फाइनल अरेंजमेंट होगा। तो याद रखना जिनको प्रॉब्लम हो उनको पहले अरेंज करो। ओके तो भाई कौन सा आंसर सही है अपना? पहला आंसर ही करेक्ट हो गया, दैट्स ऑल। तो चलिए इनको डिनर करने देते हैं, अगले चार सवाल पे आते हैं। The number of words of four letters that can be formed from the letters of the word examination. आपको इनमें से क्या करना है? इन words, इस words में से आपको four letter को select करके words को formed करना है, मतलब उनका permutation करना है बाद में। तो देखो क्या method है। अब इस question को करने के दो method है। एक method तो अपन use करते हैं multinomial theorem। हाँ जी। पर वो थोड़ा लेंथी पड़ता है और उस पे जाने की वैसे जरूरत भी नहीं होती क्योंकि लेटर बहुत लिमिटेड है तो अपन इजीली कर सकते हैं इसको। तो देखो पहले अपन लेटर्स की बात करते हैं। इसमें ई आपका ओनली वन टाइम्स है, इसमें ई के बाद एक्स भी वन टाइम्स है, ए आपका कितनी बार है? टू टाइम्स है। एम आपका अगेन वन टाइम्स है, एम के बाद आई टू टाइम्स है, I के बाद कौन होगा? N भी टू टाइम्स है, इसमें देखो ढंग से, N के बाद T, A ऑलरेडी आ चुका है, T भी आपका वन टाइम है, I ले लिया अपने और A O भी सिंगल टाइम है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 11, तो टोटल ये 11 लेटर्स। अब आपको क्या करना है, इनमें से फोर लेटर का सिलेक्शन करके उनको अरेंज करना है। तो देखें कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो ये लेते हैं कि ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, कि जो चारों लेटर्स हैं वो सारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। तो फर्स्ट केस लिखते हैं ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड केस क्या हो सकता है वो सुन लो पहले। भाई थ्री लेटर तो सेम हो नहीं सकते ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसमें। तो सेकेंड केस हो सकता है कि टू लेटर्स आर अलाइक एंड अदर टू आर डिफरेंट। जैसे लेट आपने दो तो ए लेट किए और एक आई और एक एन ले सकते हैं, दो ए लो एक आई लो एक एक्स ले सकते हैं। तो क्या लिखते हैं? टू अलाइक टू डिफरेंट। हाँ, टू अलाइक एंड टू डिफरेंट डिफरेंट, ये सेकेंड केस हो सकता है। और एक केस और होगा थर्ड, वो क्या होगा देखो, टू अलाइक एंड टू आर ऑल्सो लाइक इन सेकेंड टाइम। जैसे दो ए और दो आई ले सकते हैं, दो ए दो एन ले सकते हैं, या दो आई और दो एन ले सकते हैं। तो टू आर अलाइक एंड अदर टू आर ऑल्सो अलाइक सेकेंड टाइम, ठीक है? मतलब टू अलाइक हाँ, टू अलाइक एंड अदर टू ऑल्सो अलाइक, ठीक है ना? तो अब देखो करते हैं इसको। ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट लेटर टोटल कितने हैं? 5, 6, 7। भाई इसमें से एक एक तो ले सकते हैं ना, तो 5, 8 लेटर आपके क्या डिस्टिंक्ट है। तो पहले क्या करो, 8 में से आप 4 लेटर का करो सिलेक्शन एनसीआर के फॉर्मूले से। तो ये 8C4 में और 4 लेटर्स आपके क्या डिस्टिंक्ट हैं, तो इनसे आपको क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट भी करना, अरेंजमेंट करना बाद में। ओनली आपसे बात करता है कॉम्बिनेशन की, तो 8C4 आंसर करना है और उनको अरेंज भी करना है, तो इनटू क्या करना है, फैक्टोरियल 4। फिर बात आती है टू अलाइक एंड टू डिफरेंट। तो देखो अपने पास जो अलाइक है वो थ्री पेयर्स हैं उनके, डबल ए डबल आई या डबल एन, थ्री सेट हैं। तो पहले क्या करो, थ्री सेट में से वन सेट का क्या करो, सिलेक्शन। तो ये आ गया बेटा 3C1। इस 3C1 का मीनिंग यही है कि 3C1 का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक सेट जब आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें टू लेटर्स आ चुके हैं, वो दो ए हो सकते हैं, टू आई हो सकते हैं, या टू एन हो सकते हैं, ठीक है? 3C1 का मीनिंग टू लेटर आपने सेलेक्ट किए अलाइक। अब टू लेने आपको डिफरेंट, तो देखो अब डिफरेंट लेटर कितने बचे, 5 तो ये हैं, और इस 3C1 में लेट आपने ये वाला सेलेक्ट किया, तो भाई एक एक इसमें से तो ले सकते हैं ना, तो 5 और 2, 7। तो अब क्या करना है, इन 7 में से आपको टू लेटर का क्या करना है, सिलेक्शन, ठीक है? तो अब ये टोटल आपने कितने लेटर सेलेक्ट किए, 4। दो तो इस सेट के अंदर आ चुके और दो लेटर ये थे, इनसे टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे बोलो, फैक्टोरियल 4/2। ये फैक्टोरियल 2 क्यों किया है, क्योंकि जो दो आपने लेट किए थे इसमें वो दोनों क्या है, अलाइक है। उसके बाद टू अलाइक एंड अदर टू आर ऑल्सो अलाइक। तो अपने पास जो अलाइक हैं वो टोटल 3 सेट हैं, तो इसमें से आपको दो सेट का करना है सिलेक्शन। जैसे डबल ए डबल आई
डबल आई डबल एन या डबल ए डबल एन, तो एक वैसे ही दिख रहा है तीन ही केस है बिल्कुल, या फिर ऐसे लिख सकते हो थ्री सी टू कि थ्री अलाइक पेयर में से आपको दो पेयर क्या करने सेलेक्ट, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा कि दो पेयर सेलेक्ट हो गए लेट ए एन आई, तो कितने लेटर आ चुके फोर लेटर, इन फोर लेटर से टोटल परमुटेशन होंगे फैक्टोरियल फोर अपॉन, इस फोर लेटर में दो एक जैसे हैं दो एक जैसे हैं, तो बाई करना फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू, ये टोटल इनकी क्या होंगे कॉम्बिनेशन, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन तो फिर ऐड कर लेना बस, हाँ इस आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 10 बॉल्स फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड ब्लैक व्हाइट एंड ग्रीन बॉल्स, अनलिमिटेड नंबर है तो कोई कंडीशन है नहीं, देखो ऐसे मान लो कि अपन ने कितनी रेड बॉल सेलेक्ट करी है कितनी, ठीक है, ब्लैक बॉल कितनी लेते हैं इतनी ब्लैक बॉल ले लिया, व्हाइट बॉल वो इतनी ले ली, ग्रीन बॉल वो इतनी ले ली, और सबका टोटल मिला के कितनी बॉल ली हमने 10 बॉल, जाहिर सी बात है ये नंबर ऑफ बॉल है तो मिनिमम जीरो हो सकता है, उसके बाद नेचुरल नंबर ही होंगे 1 2 3 4 है ना, ऐसे तो है नहीं कि डेढ़ बॉल ले ली है ना, तो ये सबके सब कैसे हैं इंटीजर है और कैसे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऑल एक्स आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दे आर आल्सो इंटीजर, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं ना होल नंबर करेक्ट, तो बस इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही तरीके से अपन सिलेक्शन कर सकते हैं, भाई जैसे मान लो अपन ने इसका सॉल्यूशन लिया कि x1 का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है और इसका वैल्यू भी 4 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम 2 रेड 2 ब्लैक 2 व्हाइट और 4 ग्रीन बॉल ले लें, यस, तो हर एक सॉल्यूशन एक सिलेक्शन देगा, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाएंगे, और इस तरह की इक्वेशन हो जिसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, वो अभी अभी हम बता चुके हैं सर पिछली एग्जांपल में कि कितना होता है, फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस, यहाँ n तो क्या है लेन जो सम आता है, r है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी अपने पास हो गया 10 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, यस कुल मिला के हो गया बच्चों 13 c c 3, तो ये रहा जी 13 c 3, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ द नंबर ऑफ सॉरी देन नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन, आपको क्या करना है ये दही होना चाहिए ना, हाँ टी नंबर ऑन टी आना चाहिए, आपको 6000 से ग्रेटर नंबर फॉर्म्ड करने हैं इन डिजिट को यूज करके, तो बताओ कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो थोड़ा ढंग से देखो अपने पास डिजिट है टोटल 5 और आपको 6000 से ग्रेटर नंबर बनाना है, तो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं इन डिजिट के, या तो वो 4 डिजिट का हो सकता है या बेटा 5 डिजिट का, तो चलो पहले अपन 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करेंगे जो आपके क्या हो 6000 से ग्रेटर हो, तो देखो जरा जब नंबर आपका 6000 से ग्रेटर होगा तो जो ये प्लेस है इस पे क्या अपन 3 और 5 फिल कर सकते हैं क्या, नहीं अगर इधर 3 और 5 फिल करोगे तो ये नंबर 6000 से क्या होगा बेटा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इस पे अपने पास ओनली 6 7 और 8 को फिल कर सकते हैं, तो 6 7 8 को फिल करने के अपने पास कितने ऑप्शन होंगे 3 चॉइस, उसके बाद अब इधर कुछ भी फिल करो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जैसे लेट इसको 3 वे से फिल कर सकते हो, लेट इस पे 6 आ गया बाई चांस, तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन बचे 1 2 3 4 ऑप्शन, फिर अगले के लिए 3 क्योंकि 1 कम हो गया और फिर अगले के लिए 2, तो ये आ गया बेटा 12 72 72 प्लस 72 नंबर ऐसे हैं जो 6000 से ग्रेटर होंगे लेकिन 4 डिजिट, हाँ 4 डिजिट के होंगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो नंबर है वो क्या हो बेटा 5 डिजिट के, 6 के तो बना नहीं सकते ना क्योंकि डिजिट ही 5 है अपने पास, तो इस केस में देखो क्या होगा, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना अपन को क्योंकि इधर आपने 3 भी फिल कर दिया ना तो ऑटोमेटिक 6000 से क्या होगा ग्रेटर, तो इसको फिल करने के क्या होंगे 5 4 5 फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो सीधा, तो कितना गया फैक्टोरियल 5 का मीनिंग 120, तो ये 120 नंबर कौन से हैं जो 10000 से या 5 डिजिट के हो सकते हैं, तो कितना जाएगा 120 प्लस 72 इज 192 आंसर आ जाएगा, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलिए बाद नेक्स्ट सवाल का क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स द सम ऑफ हूज डिजिट इज फोर। देखो छह डिजिट का नंबर बनाना है, टोटल करने पे फोर आना चाहिए। देखो टोटल बहुत छोटा लिया हुआ है ना, तो आप चाहो तो केस काउंट कर सकते हो, बना बना के देख सकते हो कि क्या क्या ले सकते हैं, है ना, कि भाई क्या लेंगे। एक अगर फोर ले लिया तो पांच जगह जीरो ले लेंगे, सही है, या फिर टू टू और फिर चार जगह जीरो ले लिया, ऐसे केस बना के भी काउंट कर सकते हो। और अगर फॉर्मूले से जाना चाहे तो देखो ऐसे भी सोचा जा सकता है कि जैसे मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिया एक्स वन, ठीक है भाई, या इसको सिक्स प्लेस बोल देता हूँ, एक्स सिक्स ले लिया, अगले प्लेस पे एक्स फाइव, इधर लिया मैंने एक्स फोर, इधर लिया मैंने एक्स थ्री, फिर एक्स टू, फिर एक्स वन, तो ये छह डिजिट मैंने लिए, ठीक है, ये अरेंजमेंट भी है साथ साथ, तो इन सब का टोटल क्या आना चाहिए, फोर, करेक्ट। अब यहाँ फोर है ना, तो देखो कोई भी नंबर वैसे भी फोर से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर आप छूट भी दे दो कि कुछ भी ले लो तो भी आप फोर से ज्यादा तो ले नहीं सकते। तो अगर मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाऊं अपना नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन वाला, कि एक्स आई जो है यहाँ पे वो क्या है, होल नंबर, हर एक नंबर का वैल्यू जीरो से लेके आगे कितना भी ले लो आप, लेकिन ले नहीं पाएंगे ना कितना, तो फोर से ज्यादा तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे भाई, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, देखो फोर प्लस सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन सी फाइव, सिक्स माइनस वन यानी कि ये हो गया नाइन सी फाइव फाइव, ओके जी। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमने छूट दे दी कि कुछ भी ले सकते, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये नंबर हमने जीरो ले लिया, तो सोचो शुरू का लेटर अगर मैंने जीरो ले लिया, मैंने ऐसे लिख दिया, एक कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूँ, देखो सम तो फोर आ रहा है इनका, लेकिन ये नंबर जो है ये सिक्स डिजिट का नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए अगर ये सिक्स डिजिट का नंबर है, यानी कि इसमें ये वाले केस भी शामिल होगा जब ये जीरो होगा और ये मुझे चाहिए नहीं, तो ये वाले केस हम घटा देते हैं, ठीक है। तो जब एक्स सिक्स अगर जीरो होगा, सोचो अगर एक्स सिक्स को जीरो लोगे तो फिर इन बचे का सम कितना होना चाहिए, तो फिर एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन, ये टोटल फोर होगा, और यहां कुछ भी ले सकते हैं, ये तो जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सम अगर मैं फोर करूं तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, यहां भी यही कंडीशन है x i belongs to whole, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 4 प्लस 5 माइनस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1 यानी के 8 c 4। तो देखो बिना कंडीशन के 9 c 5 है, लेकिन उसमें से हमको ये वाले नहीं चाहिए क्योंकि इनमें तो स्टार्टिंग में जीरो हो जाएगा, तो इनको छोड़ दो, तो फिर इसमें बचेंगे कौन से, जब स्टार्टिंग में यहाँ पे जीरो नहीं होगा और टोटल का सम भी फोर होगा, तो भाई अपना आंसर हो गया, देखिए यहाँ कैलकुलेट करते हैं 9C5 माइनस 8C4। चलो कर ही लेते हैं कैलकुलेट, ये हो गया देखो 9876 अपॉन 4322 माइनस 8765 4432, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 मिला के इसको खत्म कर देंगे, 3 से इसको काट दो 2, ऐसे ही 4 और 2 यहाँ खत्म और 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो। देखिए 7 तो मैं कॉमन ले लूंगा इनमें से, और ये हो गया 18 माइनस 10 यानी कि 8 इंटू 7 हो गया भाई 56, तो टोटल 56 पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये अपना सेकेंड आंसर करेक्ट है। फॉर्मूला ना लगा के आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट प्लेस पे क्या ले सकते हैं 4, फिर बाकी पे पांच जगह 0 0 0 होंगे, यहाँ पे 3 ले लिया राइट, तो फिर 1 और 0 0 0 0, अब इनके अरेंजमेंट देख लेना कि ये पांच तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो ऐसे सारे केस बना के और फिर टोटल कर लो, ज्यादा केस बनेंगे नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूले से करना चाहें तो, ये तरीका है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m, n आर देयर सच दैट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ m एंड n इज 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 30। इसका मीनिंग क्या है, आपको m और n के पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या बताना है ऑर्डर्ड पेयर, और उसमें क्या कंडीशन है कि जब आप दो नंबर है आपके m और n, इनका जब क्या लेते हो आप LCM, तो LCM दिखाना चाहिए, ठीक है, LCM जाना चाहिए दिस पार्ट। अभी थोड़ा समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे, 2 की पावर 3
7 की पावर 4 और 13 की पावर 13. तो एक एग्जांपल से देखो, ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, अपन जब भी कोई भी नंबर गिवन हो नॉर्मल फॉर्म में तो उसको पहले प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट. अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा सा नंबर लेट करो आप n इक्वल टू 24 और क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताओ 24 किन दो नंबर का एलसीएम हो सकता है. तो देखो होगा क्या, बेसिकली इसको समझो, इसका मीनिंग है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, ये इस नंबर के क्या क्या अपने प्राइम फैक्टर. तो एक बात देखो, जैसे लेट आपको दो नंबर फॉर्म करने एक्स और वाई, ये टू नंबर है एक्स और वाई, इनका एलसीएम आना चाहिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर. तो देखो क्या टेक्निक हो सकती है, एक बात सुनो ढंग से. पहले अपन 2 की पावर 3 की बात करते हैं. इधर आपने 2 को 0 बार सेलेक्ट किया हो और आपको x और y का लेना है एलसीएम, तो इसका मीनिंग इधर 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए. तो इस केस में इन दोनों का एलसीएम 2 की पावर 3, यही काम अपन बाद में 3 के लिए करते हैं. इसके बाद क्या हो सकता है, इधर अगर आपने 2 की पावर 1 लिया हो और अगेन आपको एलसीएम लाना है 2 की पावर 3, मतलब 8 लाना है, तो इधर भी आपको 2 को कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 टाइम्स. एक बार देख लो फिर आगे तो सीधा कर देंगे अपन. अगर आपने 2 की पावर 2 लिया इधर, इधर भी आपको 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा. उसके बाद इसके बाद क्या होगा, नीचे देखो, ये अगर 2 की पावर 3 है तो ये भी 2 की पावर 3 टाइम हो सकता है. फिर इनको अपन रिवर्स भी कर सकते हैं, ये अगर 2 की पावर 3 है तो मैं इसको 2 की पावर 2 ले सकता हूं, ये अगर 2 की पावर 3 है तो इसको 2 की पावर 1, और ये अगर 2 की पावर 3 है तो इसको 2 की पावर. इतने वे से आप इस 2 की पावर 3 को दोनों साइड अपन को लेट करना पड़ेगा. तो इन दोनों का एलसीएम 2 की पावर 3 है, इसमें भी एलसीएम 2 की पावर 3 होगा, इसका भी एलसीएम 2 की पावर 3 होगा, किसी भी केस में लो आप 2 की पावर 3 होगा. तो इन सब में क्या दिख रहा है कि जो 2 की पावर 3 है ना, वो एक बार या तो एक्स में होना चाहिए, वाई में होना मस्ट है. देखो जब भी एलसीएम क्या सकता है 2 की पावर, एलसीएम में क्या हाईएस्ट पावर ही आती है दोनों तरफ, हाँ, दोनों तरफ हाईएस्ट पावर को मानती है. तो देखें जरा इसके टोटल वे क्या है, 2 को 3 बार आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे समझ लो आप, और एक बार तो 2 कंप्लीट एक्स या वाई में जाना चाहिए. तो देखो ये जो पार्ट है वो इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये वाला पार्ट ये इसके इक्विवेलेंट और ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है. तो इनका मीनिंग तो क्या है, ये टोटल 6 है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, 3 × 2 कि 3 टाइम्स 8 इधर आना चाहिए और 3 टाइम्स 8 आपका वाई की तरफ आना चाहिए. तो ये टोटल केस कितने बने, 6. और ये जो पार्ट है ये दोनों में एक ही बार आएगा ना, क्योंकि जब 2 की पावर 3 दोनों साइड है तो उसको एक ही बार काउंट करना है. इसका मीनिंग इस 2 की पावर 3 को आप टोटल 7 वे से लेट करना है दोनों साइड, मतलब ये आ गया 2 × 3 + 1. ये 1 इसलिए क्या, क्योंकि जो एक पार्ट है उसको एक ही बार लिखना है, सीधा नहीं करना है 2 × 4 ऐसे, ठीक है. तो ये 7 का मीनिंग क्या हुआ इसमें कि 2 की पावर 3 को आप एक्स और वाई में अरेंज कर सकते हो 2 × 3 + 1. अगर जैसे लेट ये एन होता बाई चांस कि 2 की पावर एन है, तो इस 2 की पावर एन को दोनों साइड कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 2n + 1 वे से, क्योंकि एक बार 2 आपको इधर आना चाहिए, n टाइम्स एक बार वाई में आना चाहिए और एक बार दोनों में आना चाहिए, तो क्या जाएगा 2 × 2n + 1. ऐसी जब अपन 3 की पावर 1 की बात करोगे आप, तो उसमें भी क्या होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, या दोनों तरफ 3 × 3, मतलब ये टोटल कितने केस मिले आपके पास, 3 केस. इस 3 का मीनिंग भी क्या है, 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1, ठीक है. तो अभी ऐसे जनरलाइजेशन से फॉर्मूला अपन बना सकते हैं बाद में, कि जैसे लेट कोई भी नंबर है आपका n इक्वल टू, जिसकी प्राइम फैक्टर है 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा अप टू 16. तो इसमें आपको क्या करना है कि दो नंबर है एक्स और वाई जिनका एलसीएम ये नंबर n आना चाहिए, तो उसके टोटल ऑर्डर पे होंगे बेटा 2α + 1, 2β + 1 अप टू 16, ये फॉर्मेट है. तो ये अपन प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इसको, कि इस फॉर्मेट में अपन दो नंबर के एलसीएम लेंगे तो दिस आ सकता है. तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने ऑर्डर पे हो सकते हैं, 3 × 2 + 1 = 7 और 4 × 2 = 8 + 1 = 9 एंड 3 × 2 = 26 + 1 = 26. इतने वे से अपन
टू नंबर एम और एन सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका एलसीएम क्या होगा दिस पार्ट, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना आंसर जाएगा आपका 17-0। हाँ सही है मटेरियल। ये 7-7 कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 981 तो यही आना चाहिए। हाँ, सिंगल लास्ट में 1 बनाना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देयर आर 10 स्टेशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, अ ट्रेन हैज टू स्टॉप एट 3 स्टेशन सच दैट नो 2 स्टेशंस आर एडजेसेंट, देन नंबर ऑफ सच सिलेक्शन मस्ट बी। देखो इसको डिटेल में जाके भी कर सकते हैं और इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, तो दोनों ही केस बता देता हूं मैं आपको। ऐसे मान लो कि भाई ये टोटल 10 स्टेशन है, S1, S2, S3, ठीक है, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और S10, करेक्ट। अब अपने को यहाँ पे क्या करना, 3 स्टेशन चूज करने हैं, लेकिन वो तीनों में से कोई भी तो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, नॉन कोस्ट। तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई टोटल 10 में से 3 चूज करने के तरीके हो गए 10C3, लेकिन अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कौन से सब्ट्रैक्ट करो, जब हम एडजेसेंट स्टेशन चूज कर लें गलती से, तो इसमें तो सारे आ गए, इसमें एक गलती तो ये हो गई कि जैसे मान लो मैंने तीनों एडजेसेंट ले लिए, जैसे कि मान लो मैंने S1 ले लिया, S2 ले लिया, S3 ले लिया, तो ये हटाना पड़ेगा मेरे, है ना, S2, S3, S4 लूंगा तो ये हटाना पड़ेगा, एंड सो ऐसे ही लास्ट पॉसिबल जो सिलेक्शन होगा वो अपना होगा कौन सा, S1, S2। तो ये कितने हो गए टोटल 10, तो ये 10 आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। यस yes। अब वो बात करते हैं जब दो एक साथ हो और एक डिफरेंट हो, है ना, तो जैसे मान लो देखो कितने होंगे, पहले तो हम दो एक साथ वाले सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने S1 S2 ले सकता हूँ, S2 S3 ले सकता हूँ, ऐसे करते 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 लास्ट में ये भी दस तरीके, तो ये जैसे 10 यहाँ मैंने इसके लिख दिए। अब जैसे इस केस की बात करें, तो जैसे ये दोनों ले लिए मैंने, अब एक स्टेशन और चूज करना है ना, तो वो कौन सा होगा, ये दोनों तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, क्योंकि अगर ऐसा ले लूंगा तो फिर ये 3 एडजेसेंट वाला केस तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो बचा हुआ तीसरा स्टेशन मैं इन 6 में से उठाऊंगा 6C1, तो उसके तरीके हो गए 6C1, यानी कि 6 तरीके इसमें और होंगे थर्ड स्टेशन के लिए, अगर आप इसमें थर्ड चूज करेंगे तो उसके 6 तरीके होंगे। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, अब ये तरीका ना यहाँ तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब ऐसा हो कि भाई टोटल 20 स्टेशन और 5 चूज करने हैं, हाँ, तो फिर केस बनाते बनाते जान निकल जानी है आपकी, तो ऐसे में आपको याद रखना चाहिए इसका फॉर्मूला, तो वो बताता हूँ, देखो वो क्या है। तो देखो अगर टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो, एन, जो कि सर्कल पे हो, एन ऑब्जेक्ट ऑन सर्कल, आपको चूज करने हैं आर ऑब्जेक्ट, एन में से आर उठाने, और ऐसे उठाने हैं कि नो टू ऑफ देम आर कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी दो लगातार नहीं हो, तो फिर कैसे करना है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है एन बाई आर मल्टीप्लाई विथ एन माइनस आर माइनस वन सी आर, ये फॉर्मूला आपको लगाना है आर माइनस वन। बस तो यहां एन की वैल्यू अपने पास कितनी हुई 10, चूज करने अपने को 3, ये हो गया 6C2, यानी कि 10/3 और ये कितना हो गया 6×5/2, ये सीधे सीधे कैंसिल आउट 50 आपका आंसर। तो देखिए इससे कैलकुलेशन भी इजी हुई उसके कंपैरिजन में, तो ये फार्मूला याद रखें, सर्कुलर ऑब्जेक्ट में से ऐसे ऑब्जेक्ट उठाने हो कि कॉन्सिक्यूटिव ना आने पाए। चलिए सर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 8 व्हिच आर ऑड, मतलब फैक्टोरियल 8 के वो फैक्टर लेने जो ऑड नंबर हो एंड आर ऑफ द फॉर्म 3m+2 टाइप, जो उनकी फॉर्म है वो क्या होगी 3m+2 टाइप की, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या, जैसे लेट m आपका 1 से स्टार्ट है, तो m को 1 लोगे तो नंबर 5 हो सकता है, 2 लेने पे 8 टाइप का हो सकता है, 3 लेने पे 11, इस टाइप के नंबर आपको से डिवाइड करने पर टू रिमाइंडर आना चाहिए, 3 से डिवाइड करने पे 2 उनका क्या आना चाहिए रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर है आपका फैक्टोरियल, इसके करते हैं अपन, मतलब इसको सोल्व करके फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में,
तो कितना आता है 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखो उसको थोड़ा और सिंपलीफाई करो, 8 का मीनिंग तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, 7 एज इट इज, ये 2 इसको करना है प्राइम फैक्टर में, 5 एज इट इज, ये आ गया 2 की पावर 2 और ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर। देखो टोटल 2 कितनी बार है, 1 3 4 और 3 7, मतलब ये आ गया 2 की पावर 7। 2 के बाद 3 की बारी लो, 3 कितनी बार है 2 बार, 1 बार और 1 2 बार, इनटू आ गया 3 की पावर 2। ठीक है, बात कौन है 5 4 7, एक 5 आ गया और एक बेटा 7। ये इसके फैक्टोरेट के क्या प्राइम फैक्टर है। अब आपको इसमें से वो फैक्टर लेट करने हैं जो ऑड हो, पहली बात तो ऑड होने चाहिए। तो कोई भी नंबर अगर ऑड है तो उसमें 2 का मल्टीपल तो आ नहीं सकता, तो पहले तो 2 की पावर 7 को हटा दो। उसके बाद में बात बोली गई कि 3m+2 टाइप का होना चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या है कि 3 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी इसमें 3 से डिविजिबल भी नहीं होना, 3 से डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए, तो अपन को भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं लेना। अब बचा कौन 5 और 7, तो देखो ये मैंने बता भी दिया आपको कि m को 1 लोगे तो 5 आ गया, है ना। तो इस टाइप से अपन बात करते थे, देखो 5 × 7 है जो नंबर है आपका फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर है 5 7, तो इन 5 और 7 को यूज करके टोटल कितने फैक्टर्स बना सकते हैं 5 और 7 को, तो एक ओनली वन हो सकता है, 5 और 7 के मल्टीप्लाई का फैक्टर वन हो सकता है, या इनका एक फैक्टर 7 हो सकता है, या एक फैक्टर 5 और एक फैक्टर हो सकता है 35। 5 और 7 के मल्टीप्लाई के टोटल 4 फैक्टर हो सकते हैं, 1 5 7 और 35। अब इसमें से अपन को देखो m आपका 1 से स्टार्ट है, तो जो फैक्टर है 3m+2 का वो मिनिमम 5 होगा ना, तो ये वाला केस तो चला गया। और सीधी बात है जब m को 2 लोगे तो अगला फैक्टर क्या आएगा 8 होगा ना, तो अपन को ये भी नहीं लेना, सीधी बात है। तो दो ही ऑप्शन है 5 और 35। 5 तो कब मिला जब m को 1 लोगे, और जब m को देखो इसमें 11 तक करो ना तो ये 35 आ गया। दो ही फैक्टर है 5 और 35 जो जिस फॉर्मेट को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, तो इनका क्या पूछा अपन से सम, तो 35 और 5 का सम आ गया 40। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द वर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, मुझे लगता है इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है ना, जिस तरह से ऑप्शन मल्टीपल लिखा हुआ है, अच्छा मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ भी। कंसीडर द वर्ड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में पहले देखो कौन कौन सा लेटर कितनी कितनी बार आ रहा है, एक तो आ रहा है आई, फिर आ रहा है एन, अच्छा आई को रिपीट कर, एक साथ लिखते जाएंगे बार आई एन, फिर आ रहा है जैसे एस, फिर आ रहा है हमारे पास टी, फिर आ रहा है आई, फिर से आ गया टी, फिर आ गया यू, यू फिर आ गया टी, और फिर आ गया टी, तो कुल मिला के 4 ये और 5 ये, नो लेटर मेरे पास। अब पूछा गया उसमें नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर। ओके, पहले जो सबसे छोटा ऑप्शन है उसको पकड़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद वोवल्स यही पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें मुझे कोई खास कंडीशन नहीं है, सारे के सारे वर्ड यूज करने, सारे लेटर्स यूज करने, और बस वो वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। वो वोवल कौन कौन से अपने पास है, एक तो आई है, यू है और ई है, टोटल 9 है। तो अगर देखो मैं यू से स्टार्ट करता हूँ तो बच गए कितने मेरे पास यहाँ पे 10, सही है, अच्छा 9 है ना, 8 बच गए, यहाँ पे कितने बच गए 8। अब इन 8 में 2 तो आई है और 3 टी है, तो इनके अरेंजमेंट के तरीके हो गए 8 × 3 यस, ठीक है सर। अगर मैं ई लूंगा यहाँ पे तो भी सेम होगा, तो भी सेम कंडीशन, तो इसलिए डबल कर लेते हैं। yes. अब आई अगर यहां लेते हैं तो अब क्या देखो यहाँ 8 बचे हैं, लेकिन उन 8 में 3 टी हैं और सिंगल आई है, क्योंकि एक आई तो ऑलरेडी यूज हो चुका, तो इसके तरीके हो गए 8 × 3। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये और ये तो कैंसिल आउट हो, तो ये दोनों मिला के हो गए 2 × 8 × 3। आप चाहे तो 8 × 3 भी लिख सकते हैं, 2 को कैंसिल आउट करके, जरूरत नहीं है, इसी पैटर्न में आंसर दिया हुआ है 2 × 8 × 3। तो ये तो कंफर्म है कि सेकंड सही होगा, सेकंड के सही होने का मतलब
फोर्थ जो अपना वो इसी टाइप का वो सोल्व कर दिया इसमें देखो सेम वही है 8 फैक्टोरियल बाय 3 है ना वो 2 से कैंसिल आउट करके तो ये भी सही हो गया तो दो ऑप्शन तो गए अब पहला और चौथा देखना है फर्स्ट और थर्ड हाँ फर्स्ट और थर्ड सॉरी तो उसके लिए थोड़ा सा दोनों ही जैसे स्पेस चाहिए होगा अपने नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास स्पेस ओके ये अच्छा रहा कि एक सेकेंड ये तो है ही अपने पास इसको बिठा देते हैं हाँ इसको हटा दीजिए कि अपने को करना क्या है चार लेटर के एक बार तो केवल सिलेक्शन कर लो और एक बार चार लेटर से परमुटेशन वर्ड बना दे यस मतलब उसमें सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी होगा तो पहले सिलेक्शन निपटा देते तो यहाँ से अगर मैं चार लेटर चूज करूँ तो वही बात की क्या क्या ऑप्शन हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन हम आज की क्लास में भी कर चुके हैं ना जैसे पहला केस तो देखो ये है बच्चों कि मैं चारों लेटर कैसे चुनूं डिफरेंट चुनूं 4 डिफरेंट लेटर्स अगर हम यूज करें दूसरा केस क्या हो सकता है भाई 3 अलाइक क्योंकि 3 एक लेटर है हमारे पास yes. और 1 डिफरेंट हो इनसे तीसरा केस क्या हो सकता है 2 अलाइक और 2 डिफरेंट 2 का सेट है ना हाँ और चौथा है टू अलाइक एंड ऑल्सो टू अलाइक एंड टू अलाइक इस पैटर्न में हम चूज कर सकते हैं ओके तब एक एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले 4 डिफरेंट अगर मैं चूज करना चाहूं तो उसके सिलेक्शन कितने हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन यहां लिखेंगे ना तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग लेटर है मेरे पास 4 चूज करने हैं 6C4 कैलकुलेट कर लेते हैं 6C4 को 15 ये हो गया 15 यस अब इधर आ जाओ 3 अलाइक 1 डिफरेंट 3 लेटर एक जैसे तो इसका एक ही तो सेट है मेरे पास ये तो यही लेना पड़ेगा और कोई चॉइस ही नहीं एक ही ऑप्शन तो एक ऑप्शन तो ये हो गया इनटू अब एक डिफरेंट लेना इसके अलावा तो 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी एक उठा सकते हैं अपन तो टोटल 5 तरीके ये हो गए 2 अलाइक 2 अलाइक अच्छा भाई डबल लेटर के कितने 2 अलाइक 2 डिफरेंट तो 2 अलाइक के देखो दो सेट है मेरे पास एक तो ये डबल टी राइट डबल आई और एक डबल आई तो 2 अलाइक तो इनमें से कोई एक सेट चूज कर लो तो वो चूज करने के कितने तरीके हो गए 2C1 ये 1 लेटर नहीं याद रखना सेट है इसके बाद 2 लेटर और लेने हैं अब जैसे मान लो कि तुमने डबल आई लिया ठीक है ना तो अब 2 डिफरेंट लेने आई नहीं लेने तो आप टी को तो सिंगल टी तो यूज कर ही सकते हैं तो 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी 2 उठा लो 5C2 तो ये हो गया भाई 10 और 2 20 ये हो गए 2 अलाइक डबल लेटर के 2 सेट डबल लेटर के 2 ही सेट है मेरे पास एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है या डबल टी और डबल आई एक ऑप्शन ये हो तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस कितने हुए 41 ऐड कर लेते हैं इनको देखो 15 5 20 20 40 और 41 तो 41 तो ये हो गया तो देखते हैं ये तो आ गया नंबर ऑफ वे ऑफ पहला सही हो गया नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर इज 41 अब अगले में मेरे को क्या करना है इनको अरेंज करके इनसे वर्ड्स भी बना दे तो अब बताओ इनके अरेंजमेंट कितने होंगे देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं तो 15 तो ये है ही देखो 15 तरीके से तो सिलेक्शन कर सकते हैं हर एक सिलेक्शन को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे 4 डिफरेंट लेटर तो 4 डिफरेंट लेटर को अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 हो गए तो हर एक में 24 तरीके हैं और ऐसे 15 सिलेक्शन है तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 इंटू 24 मतलब 30 इंटू 12 360 हो गए 360 हाँ ओके इस केस में आ जाओ इस केस में कितने अरेंजमेंट होंगे 3 अलाइक 1 डिफरेंट टोटल मिला के 4 लेटर हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं तो इतने अरेंजमेंट होंगे हर एक सिलेक्शन से टोटल 5 सिलेक्शन है ये हो गए 20 इस केस में कितने हो जाएंगे 2 अलाइक 2 डिफरेंट 4 लेटर जिनमें से 2 एक जैसे हैं तो ये हो गए टोटल कितने 12 हो गए 240 ये है 240 तो 240 ये हो गया आखिरी केस ये आ जाता है 2 अलाइक यानी 4 लेटर जिनमें से 2 एक जैसे 2 एक जैसे तो जमाने के तरीके हो गए 6 6 और 6 और 1 ये मिला के 6 ही हो गए तो टोटल इतने तरीके से हम लेटर बना सकते मतलब वर्ड बना सकते हैं
अब ये हो कितने गए, 360, 240 हो गए 600, और 20 और 6 ये कितना हो गया 626। चलो देखते हैं, ये रहा टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म बाय फोर लेटर इज 626। यस, तो ये वाला आंसर अपना सही हो गया 626। ये कैसे इधर आ गया, इधर आया, इधर चल भाई, ये तो इसका मतलब चार ऑप्शन करेक्ट, चार ऑप्शन सही हो गए ना, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, पी इज आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज 10/√3। मतलब r वेक्टर का a वेक्टर पे आपको क्या गिवन है, प्रोजेक्शन गिवन है 10/√3। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ p इज आल्सो इक्वल टू, मतलब पॉइंट p को चूज करने के कितने वे किस ऑप्शंस के इक्विवेलेंट है, ये आपको चेक करना बात है। ठीक है, तो पहले अपन इसी की बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि आपको क्या चाहिए, r वेक्टर पे, r वेक्टर का a वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो लेट ये a वेक्टर है आपका और ये r वेक्टर, तो r वेक्टर का a वेक्टर पे लाना है प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन की फॉर्मूला होगा बेटा, इन दोनों का तो कर दो आप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर, अभी याद ही रखो डेरिवेशन भी इसका बहुत टाइम वेस्ट होगा, r डॉट a, और जिस पे आपने क्या लिया पोजीशन उसका मोड लेना अपॉन में, बस r डॉट a अपॉन मोड a, ये वैल्यू आपको गिवन है बेटा 10/√3। तो देखो r का a के साथ डॉट करो, तो डॉट में आई को आई से करना है, जे को जे से, के को के से, तो क्या आ गया बोलो एक्स प्लस वाई प्लस जे और अपॉन ए का मोड क्या आएगा √3। तो देखो जब वैल्यू पुट करोगे तो ये तो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, तो देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ गया 10। मतलब इस क्वेश्चन से तो क्या पता चला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 आ गया। तो चलो उसको अपन लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। क्वेश्चन नहीं बोला गया आपसे, हाँ एक्स वाई जेड आपके क्या है नेचुरल नंबर, तो एक्स वाई जेड को कितने वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितने वे से सिलेक्ट करोगे उतने वे से अपन पॉइंट पी को लेट कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड आपके 1 से स्टार्ट है, तो जब 0 से स्टार्ट है तो फार्मूला अपन ने पढ़ा था कि n माइनस r प्लस 1 c, n प्लस r माइनस 1 c, r माइनस 1, और जब स्टार्टिंग 1 से करना है तो सीधा फार्मूला होगा n माइनस 1 c, r माइनस 1। ठीक है, तो इस केस में टोटल पॉसिबिलिटी होंगी एक्स वाई जेड को लेने की कितनी, 9c2 और 9c2 की वैल्यू होगी 9 × 8/2 36। तो अब क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन 36 के इक्विवेलेंट होगा, सीधी सीधी बात है इसमें। ठीक है, तो चलो करते हैं बात, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम, तो गलत है क्योंकि जब 10 के केस में आंसर 36 कमाने वाला ना आंसर, तो हटाओ। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, हाँ ठीक है, एक डाइस को आप पेयर ऑफ डाइस को दो बार थ्रो करोगे तो 6 × 6 होंगे ना टोटल आउटकम 36, ये सही है। नंबर ऑफ डिवाइडर्स ऑफ 1800, इसके टोटल डिवाइडर्स क्या होंगे, तो अब देखो डिवाइडर्स का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कोई भी नंबर गिवन हो और उसका क्या निकालना है डिवाइडर्स, तो देखो डिवाइडर्स के लिए क्या करोगे आप, इसको लगा देते हैं, डिवाइडर्स के लिए क्या करते हैं अपन प्राइम फैक्टर, अपने पास नंबर है n इक्वल टू 1800, तो देखो क्या करना है, ये तो 100 होगा, 100 को लिख सकते हैं अपन 4 × 25 और इसको लिख दो 2 × 9, तो कितना आ गया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। और डिवाइडर्स का फॉर्मूला याद ही करो आप, जैसे कोई भी नंबर गिवन है 2 की पावर α1 3 की पावर α2 5 की पावर α2 डॉट डॉट डॉट, तो नंबर ऑफ डिवाइडर्स का फॉर्मूला लिखते अपन कितना, α1 + 1 मल्टीप्लाई विद, हाँ α2 + 1 α3 + 1 up to, ये टोटल डिवाइडर्स का फॉर्मूला होगा। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो कितना आ गया 3 + 1 = 4 4 × 3 × 3 × 3 × 36, तो ये 36 की इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन, अगला ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं अपन, ये भी सही है, ये भी, हाँ ये
फोर्थ ऑप्शन नंबर ऑफ साइफर्स ऑफ एंड ऑफ 120 फैक्टोरियल. 120 फैक्टोरियल में टोटल जीरो कितनी बार होंगे, मतलब लास्ट प्लेसेज पे टोटल जीरो कितनी बार आने वाले, तो चलो उसकी बात करते हैं. फैक्टोरियल 120, तो इसका भी एक फॉर्मूला, उसको तो याद ही करना अपन को, कि जैसे लेट सिंपल सी बात है, इसमें टोटल साइफर्स का मीनिंग क्या होगा कि जो लास्ट प्लेसेज है उन पे जीरो कितनी बार आने वाला है. तो एक बात समझो, कोई भी नंबर है उसमें लास्ट में जीरो कब आ सकता है, जैसे जब अपन उस नंबर के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 2 और 5 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे ना उतनी जीरो अपनी की क्या आती है स्टार्टिंग पे. जैसे लेट कोई भी नंबर है इसमें 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, और आपसे पूछे कि बताओ इस नंबर में टोटल साइफर्स क्या होंगे, तो आप जैसे 8 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 स्टार्टिंग पे जीरो आ गया, फिर सेकंड 2 को अगेन सेकंड 5 से करो तो 1 0 और आ गया, मतलब 5 कम बार होगा ना तो उतनी बार जीरो आने वाली है. 2 4 बार है, 5 2 बार है, तो 2 2 और 2 5 मिलके 2 बार जीरो देंगे आपको. तो आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर के लिए चेक करो कि पावर क्या होगी. मैं सिंपल सी बात है, इस 120 के फैक्टर में जो 5 है वो कम बार रिपीट होगा और 2 बेटा ज्यादा बार रिपीट होगा. सीधी बात है, वो फॉर्मूले से आप पता भी कर सकते हो. तो फॉर्मूला क्या है कि जैसे लेट कोई भी नंबर है फैक्टोरियल एन, और आपसे बोले कि बताओ इसमें 2 की पावर कितनी बार आने वाली है इसके फैक्टर करने पे, तो क्या फॉर्मूला है उसका, एन अपॉन 2 का स्टेप प्लस एन अपॉन 2 स्क्वायर का स्टेप, फिर एन अपॉन 2 क्यूब का स्टेप अप टू सो ऑन. स्टेप का मीनिंग कि जब ये वैल्यू 1 से लेस होगी तो बाद में सब कुछ जीरो आते जाएगा, तो उसको बाद में स्किप कर देना है. तो देखो, और ये अपन को खुद सोचो यार, ये 120 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी, और 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस होगी. और अपन को पता है कि 2 ज्यादा बार होगा और 5 कम बार होगा, तो अपन सिंपल 5 की पावर देखते हैं कि 5 की पावर कितनी बार आने वाला है. तो 5 की पावर के लिए क्या करना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 देखना है कि फैक्टोरियल एन में 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा. तो क्या लिखोगे, एन का मीनिंग क्या था, 120, तो ये आ गया 120 बाय 5 का फैक्टोरियल प्लस 120 बाय 5 स्क्वायर का मीनिंग 25, और अगला हो गया 120 अपॉन 5 का क्यूब इज 125. तो देखो ढंग से इसका स्टेप तो आ गया ना जीरो, क्योंकि 1 से लेस है, और बाद में तो सारे जीरो बनेंगे क्योंकि पावर ग्रेटर बन जाएगी बाद. तो देखो कितना मिला, 120 अपॉन 5 24 का स्टेप इज 24 प्लस 4 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो उसका स्टेप आ गया 4. इसका मीनिंग क्या है, 20 कि जो 120 का फैक्टर है उसमें 5 की पावर मिलेगी 28 टाइम्स, और 2 की पावर तो 100% इसमें 28 से क्या होगी ज्यादा, तो 5 बार 28 लोगे, 2 बार 28 लोगे, तो उनका जो मल्टीप्लाई है उतनी टाइम्स आपको क्या मिलेगी, जीरो. तो यूनिट प्लेसेज मतलब जो लास्ट की प्लेसेज उसमें 28 बार आपका जीरो आ सकता है, ठीक है. तो और अपने क्वेश्चन में जो आंसर आया था उसका कितना आया था, 36. तो फिर इसने क्या लिखा है, हाँ गलत है, शून्यों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तो इसका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट हो. सो ओके स्टूडेंट, ये था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्कशन, और अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय, थैंक यू.